हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर मैं हमेशा आप लोगों को एनएमएस से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ देता हूँ। आज फिर से मैं आप सभी के समक्ष पूरा एनएमएस के पेपर के बारे में पूरी जानकारी लेकर आ चुका हूँ 2022 के एनएमएस पेपर के साथ। देखिए दोस्तों, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ ऐसे ही ब्लूप्रिंट है आपके एनएमएस एग्ज़ाम का। जो बिहार एनएमएस या फिर अन्य राज्यों में भी जो ये छात्रवृत्ति की परीक्षा ली जाती है, इसी तरह के पूरे पूरे पैटर्न पे आपका ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन आता है। और दोस्तों, मैंने इसका ऑफिशियल ब्लूप्रिंट लेकर और पीछे के सालों से 2022 में आए हुए प्रश्नों का ब्रीफ स्टडी करते हुए मैंने इस पूरे पैटर्न को बनाया है। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि आपको किस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा ज़्यादा फोकस करना है, जिससे कि आप इसमें आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं। इसको क्रैक करना बहुत ही बड़ा कोई टास्क नहीं है, बस एक राइट वे होना चाहिए। जो आपका मेहनत है वो सही दिशा में होना चाहिए, और जैसे ही आप सही दिशा में मेहनत करने लगेंगे आपका निश्चित रूप से सक्सेस होना ही होना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम लोग वो जानकारियां लेते हैं कि किस वे में आप तैयारी करें। देखिए, क्लास 8 में पढ़ने वाले वो सारे स्टूडेंट जो कि क्लास 8 में पढ़ाई कर रहे हैं, जो एनएमएस का सिलेबस है उसकी तो वो जानकारी लेते ही हैं। उनको पता है कि एनएमएस का हमारा सिलेबस ऐसे है, क्योंकि जो क्लास 8 में पढ़ना है वही एनएमएस में पूछा जाता है। बट हम क्या करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें कौन से चैप्टर की तैयारी अच्छे ढंग से करनी है, कौन से चैप्टर की तैयारी से। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से कोई एक भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। तो चलिए, वो सारी बातों की जानकारी हम लोग डिटेल्स में लेंगे इस वीडियो में। तो मैं हूँ अंकुश, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय पर। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाक से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए ध्यान देते हैं। शैक्षणिक योग्यता, सबसे पहले देखिए, हमने ये क्वेश्चन पेपर ही लिया हुआ है 2022 का। उसमें जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं उसको आपको बताता हूँ कि ये क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। देखिए, जो समय होता है वो 90 मिनट होता है। ये क्वेश्चन में आपको दूसरे नंबर पृष्ठ में मिल जाएगा। टोटल अंक 90 होता है। और देखिए, आपको बता दें कि एनएमएस की जो परीक्षा होती है ये दो पार्ट में होती है। जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है आपका मैट का, और दूसरा पार्ट है वो होता है सैट का। तो आज हम लोग ये सैट का एनालिसिस कर रहे हैं। सैट पेपर का आज हम लोग एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए, मैट का भी हम लोग एनालिसिस करेंगे ब्रीफ वे में, पहले सैट का कर लेते हैं। इसके लिए समय हमें मिला 90 मिनट, और जो नेत्रहीन बच्चा है या फिजिकल डिसऑर्डर है उसे 120 मिनट का समय मिलता है। कुल पूर्णांक है इसका 90। अब देखिए, इसमें आगे बढ़ते हैं। कुछ जो निर्देश दिए हुए उसको ध्यान से आप देखेंगे कि शैक्षणिक योग्यता के विषय में देखिए, विज्ञान समूह से भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, यानी विज्ञान समूह से जो कुल प्रश्न आपको पूछे जाएंगे वो प्रश्नों की संख्या 35 होगी और टोटल अंक आपको प्राप्त होंगे 35, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न से आपको एक अंक प्राप्त होता है। सामाजिक अध्ययन की बात की जाए, यानी कि SST की बात की जाए, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन नहीं रहता है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र से आपको 35 अंक प्राप्त होंगे। प्रश्नों की संख्या भी इसमें 35 ही रहेगी। गणित की बात करें तो गणित से आपका जो पूर्णांक होगा टोटल 20 होगा और प्रश्नों की संख्या भी 20 होगी। चलिए, ये निर्देश प्रश्न पत्र के ऊपर दिया हुआ है। हमने इस प्रश्न पत्र को ही ले लिया है जो कि 2022 में पूछा गया है। इसी बातों को जो हमने आपको समझाया उसे इंग्लिश में यहाँ समझा दिया गया है। जिन बच्चों को यहाँ लैंग्वेज का है, क्योंकि हमारे इस चैनल पे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो अलग अलग राज्य से भी हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिलाकर 35 मार्क्स आएंगे आपको। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 35 है। सोशल स्टडी से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स से भी 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 35 है और फुल मार्क्स भी 35। मैथमेटिक्स से 20 नंबर का पेपर होगा और आपको टोटल क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करने हैं 20। ठीक है, चलिए, मैंने बताया हुआ है कि किस जाति को किन, मतलब जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी या SC ST कैटेगरी को कितने मार्क्स ऑब्टेन करने से रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताया है कि हमारे हर साल 25 से 30 छात्र जो है सो बिहार छात्रवृत्ति में सिलेक्ट होते हैं और
वो निश्चित रूप से अपना 48,000 रुपया छात्रवृत्ति का उनके खाते तक क्रेडिट होता है। मैंने बहुत सारा चीज़ों को लाइव आके भी दिखाया है और वो सारे आपके वीडियो में देखिए। अब इसमें जो सैट में जो सबसे फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है साइंस। अब हम लोग को ये जानना है कि ये साइंस में जो क्वेश्चन आ रहा है, पीछे के 10 सालों की बात की जाए तो जो साइंस में क्वेश्चन आ रहा है वो असल में किस किस चैप्टर पे हंट कर रहा है ना, इसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो कौन कौन से चैप्टर पे हंट कर रहा है। देखिए, मुश्किल से 15 से 16 चैप्टर आपको टोटल साइंस में पढ़ने होंगे, यानी कि सैट साइंस विषय में आप 15-16 चैप्टर होंगे। अब 15-16 चैप्टर में से हमको कौन से चैप्टर पे फोकस करना है जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, समय बहुत कम है और अगर हम उस चैप्टर पे फोकस करके जाएं जिनकी संख्या मुश्किल से 5-6 है, मात्र 5-6 ही ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से NMS जो है सो पूरा हर साल क्वेश्चन उठा उठा के रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि वो कौन कौन से चैप्टर हैं साइंस में जिससे कि क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, फिजिक्स की बात करें यानी कि भौतिकी की, हिंदी माध्यम के भी जो बच्चे हैं, ये भौतिकी की अगर आप बात करते हैं तो भौतिकी में 2022 तक का पेपर एनालिसिस है, इसको आप लोग एकदम ध्यान से समझेंगे। देखिए, 2022 तक फोर्स से देखा जाए तो हर वर्ष फोर्स से 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फोर्स से 2 क्वेश्चंस, 2 से 3 वैरी भी करता है, बट 2 क्वेश्चन फोर्स चैप्टर से रहते ही हैं। अब देखिए, फोर्स में जो है सो आपको हम बता दें कि सबसे ज़्यादा जो फोर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स से। दूसरा रहा आपको फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, जैसे देखिए फोर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी हम जानकारी भी देते चलते हैं। फोर्स के टाइप हो गए फ्रिक्शनल फोर्स, पुल और पुश। फोर्स किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को पुश या पुल करना फोर्स कहलाता है, यानी कि खींचना और धक्का देना ही बल कहलाता है। अब देखिए, बल से कैसे क्वेश्चन आएंगे, बल का SI यूनिट क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि बल का SI यूनिट न्यूटन है। ऐसे हम इस सभी चैप्टर पे आपका डिटेल वीडियो लेकर आ रहे हैं, है ना, 1 से 2 दिनों में सारे वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। फिर हम लोग हर रोज़ लाइव टेस्ट भी करेंगे कि हमारी तैयारी कैसी है, और मैं आपके साथ एकदम लगा हुआ हूँ एग्ज़ाम तक, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी आपको जानकारी देते चलता हूँ। तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है। फोर्स जो है सो किसे कहते हैं, हमने आपको बता ही दिया। इस टाइप से फोर्स से क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाएंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो फ्रिक्शनल, ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स भी एक इसमें टॉपिक है, वो फ्रिक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रेविटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि ग्रेविटी और फ्रिक्शन से जो क्वेश्चनों की संख्या होगी फोर्स टॉपिक में वो सबसे ज़्यादा रहती है। अब आइए फ्रिक्शन देखिए, फ्रिक्शन जो है सो इसको अलग, फ्रिक्शन से अलग, फोर्स से अलग और फ्रिक्शन से अलग 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन आपको पेपर में रहेगा ही रहेगा, 11 में से 2 क्वेश्चन रहेगा, 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स में, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपका फ्रिक्शन का निश्चित रूप से रखना है। फ्रिक्शन फोर्स को थोड़ा शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप देखिए ये मेज है, इस मेज को आप इधर की ओर पुश कर रहे हैं, इधर की ओर आप धकेल रहे हैं, तो देखिए भैया ये इधर मोशन करने लगेगा। देखिए मैंने यहाँ दिखाया भी आपको, यहाँ ये क्या करने लगेगा, मोशन करने लगा। अब देखिए जैसे ये मोशन करने लगेगा तो एक फोर्स इसको पीछे की ओर एक्ट होगा। आप देखे भी होइएगा, आप कोई चौकी या मेज़ को घसकाते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपको ऐसा महसूस होता होगा कोई चीज़ उसको पीछे की ओर खींच रही है। जो ये बच्चों ये पीछे की ओर खींच रही है यही फोर्स कहलाती है फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स यानी कि इसको घर्षण बल कहते हैं। अब इसमें कई तरह के घर्षण होते हैं, सर्पी घर्षण, घर्षण बल। अब ये सबको मिला के सर्पी घर्षण, घर्षण बल, इसमें किसका मान अधिक है किसका मान कम है, इस तरह से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इसमें पूछ लिए जाते हैं। दूसरा आपको एग्जांपल भी दे दिया जाता है बहुत सारा, जैसे आप चलते हैं तो इसमें आपको फ्रिक्शन जो है सो मदद करता है, मतलब इसमें कौन सा फोर्स आपको मदद करता है चलने में, बालू पर आप क्यों नहीं चल पाते हैं, समतल सतह पर आप क्यों चलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको फ्रिक्शन फोर्स से आ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए हमने देखा इस जो 2 क्वेश्चन हैं वो फोर्स से पूछ लिए जाते हैं फिजिक्स में और 2 फ्रिक्शनल फोर्स से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक टॉपिक है बहुत ही शानदार सा टॉपिक है, लाइट, प्रकाश। इस चैप्टर का नाम है प्रकाश। ठीक है, अब प्रकाश चैप्टर में
जो है इससे भी तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2022 तक का। मैं एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, यानी पिछले साल के पेपर को आप उठाकर देख लीजिए। लाइट्स उसमें तीन क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, लाइट से मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही आपको पूरा लाइट पूरा डीपली पढ़ना होगा, लेकिन अगर हम 10 सालों की बात करें, पीछे के 10 वर्षों में, तो हमने ऐसा देखा है कि 80% जो क्वेश्चन है, अगर उसको आप मिलाकर एक साथ स्टडी जो मैंने किया है, पूरा एनालिसिस करके मैं आया हूँ आपका इस पेपर, तो आप देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनेंगे। अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि जो ये कोन आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, जिसमें से एक नियम यह हमें बताता है कि आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों का दोनों सेम होता है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको लाइट में देखने को मिल जाएंगे। मैंने आपको जैसा कि वादा किया कि हम लोग डिटेल वीडियो लेकर आ रहे हैं, आप उसको देखेंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट होगी। चलिए मोशन, अब देखिए मोशन है, ऐसे तो पूरे मोशन से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन कम से कम मोशन से पूछ लिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोशन से क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है पेरियोडिक मोशन से, और उससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड निकालने वाला टाइप, जो पेंडुलम का टाइम पीरियड हम निकालते हैं, स्ट्रिंग है, एल ए स्ट्रिंग है, टी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, वो पेरियोडिक मोशन से, ये सारे पेरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल है, झूले की गति, पेंडुलम की गति, घंटे की गति, ये सब कैसे मोशन है, पेरियोडिक मोशन है। तो पेरियोडिक मोशन से भी आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए दो क्वेश्चंस तो 2022 तक पूछे गए हैं, बट 2021 की मैं आपको बात बता दूं, 2021 में ये बहुत ही शानदार टॉपिक है करंट। देखिए 2021 में 11 में से लगभग 5 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही पूछ लिए गए थे। अब देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो पूछा जाता है वो मुख्य रूप से पूछा जाता है सर्किट के बारे में और पावर के बारे में, कि किसी भी, जैसे कि देखिए कि इलेक्ट्रिक पावर का कमर्शियल यूनिट क्या है, SI यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, करंट किसे कहते हैं, है ना, ये सारे पोटेंशियल किसे कहते हैं, बैटरी को कौन से कौन टर्मिनल में जोड़ा जाएगा, और केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट भी इसमें आ जाता है। ध्यान से समझेंगे, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट भी आ जाता है, यानी कि कैथोड एनोड वाला जो करंट होता है वो भी आ जाता है, कैथोड और एनोड के बारे में भी इसमें जानकारी पूछ ली जाती है। मैं तो आपको पहले भी कह रहा हूँ, हर टॉपिक में कह रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं सिर्फ शॉर्ट में लेकर चला जा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मैं डिटेल्ड लेकर आप सभी के समक्ष बहुत ही जल्द उपस्थित हो रहा हूँ। यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से पिछले वर्ष 2 क्वेश्चन तो कम से कम पूछ लिए जाते हैं, बट 2021 में 5 क्वेश्चन मात्र एक टॉपिक करंट से पूछे गए थे, 11 में से 5 अकेले करंट से ही था। तो इसलिए करंट को तो आप एकदम धमाका मचा कर पढ़ा लीजिए और पढ़ लीजिए। सबसे फर्स्ट जो मैं वीडियो लेने वाला हूँ वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पर ही आने वाला है, और इसको आप एकदम हल्ला बोल दीजिए इस बार के NMS 2023 में एग्ज़ाम, मतलब 2022 में ही डेट अनाउंस हुआ है कि 2022 में ही ले लिया जाएगा, बट मैं उसे 2023 बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो पेपर आया था उस पर लिखा हुआ है NMS 2022, तो NMS 2023 में नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप हल्ला मचा दीजिए। करंट को आप भी अपने स्कूल में, आप जहाँ भी पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन में जहाँ भी पढ़ाई करते हैं, वहाँ अपने सर से बोलकर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ें, और मैं भी आपको इस पर जल्दी ही करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिटेल्ड वे में वीडियो जल्द ही मैं लेकर आ रहा हूँ। देखिए दोस्तों सोलर सिस्टम, इससे हर साल एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछ लिया जाता है। सोलर सिस्टम जितने भी हैं, सूर्य और जितने भी इसके ग्रह हैं, इन सब से मिलाकर एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। देखिए दोस्तों मैं जो ये सिलेबस का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें हैं, मैंने इसे डिटेल्ड वे में एनालिसिस किया है। मैं ऑफलाइन बच्चों को यहाँ पढ़ाता हूँ, तो मैंने ये पूरा ये कैलकुलेशन करके यहाँ तक मैं लेकर आया हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का ही एनालिसिस किया है। दोस्तों यदि आपको इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आपको आपको लग रहा है कि आपके तैयारी में फ़ायदेमंद है, तो आप मुझे कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें, सपोर्ट करें इस चैनल को। तो जब मुझे भी ये लगेगा कि नहीं, आप चाह रहे हैं कि इस तरह के कंटेंट मैं आपको बना कर दूँ, इस तरह के एनालिसिस बना कर दूँ, तो मैं जल्दी ही केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और रीजनिंग के ये सारे डिटेल्ड वीडियो को आपसे
के सामने इस पे अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप एकदम आसानी से समझ जाए कि कौन से चैप्टर पे आपको डिटेल्ड वे में फोकस करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप थोड़ा भी आपको ऐसा लग रहा हो कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए उपयोगी है, अच्छा लग रहा है आपको, तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, जो कि जल्दी से जल्दी हमारा चैनल जो है, सो जो बातों को मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें सभी दोस्तों तक पहुँच जाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब अच्छे से पढ़ें, अपने माता पिता और गुरुजी का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।